सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कलमी ढाका फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आज के कलमी ढाका फ्राइड चिकन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगी वो कुछ इस तरह है कि हमने एक प्याली जो है वो दही की ले ली है और इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। इसके साथ ये ऑलमोस्ट 2 किलो से ज्यादा है, लेकिन मैंने 12 जो है वो लेग पीस ले लिए हैं। अब वजन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये लेग पीसेस के हम बना रहे हैं इसीलिए इसको कलमी ढाका फ्राइड चिकन हम कह रहे हैं। और साथ में हमने 2 एग्स लिए हैं, इसके साथ कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं 3 खाने के चम्मच लिए हैं, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच। आपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर साबत जो है वो सूखा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप पिसा हुआ सूखा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं साबत इस्तेमाल करूंगी जो कि मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये साबत जो सूखा धनिया लेने का एक मकसद ये भी था कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब इसका चिकन के साथ आप इसका बाइट लेते हैं ना तो बड़ा जूसी और क्रंची सा इसका फ्लेवर आता है, इसलिए मैं साबत ले रही हूँ। इसके साथ मैंने ये तिल लिए हैं 3 खाने के चम्मच या 2। अच्छा, ये जो है ज्यादा क्वांटिटी में भी डालते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी, मैं इसको नॉर्मल क्वांटिटी में इस्तेमाल करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी। इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करते हैं चिकन को। कि मैं दही लिया, दही को मैंने अच्छे से जो है वो बीट कर लिया। बीट करने के बाद कुछ इस तरह मैं इसके ऊपर शामिल कर दी। अब ये देखिए मैं मैरिनेशन कर रही हूं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये साबत सूखा धनिया, नमक और लास्ट पर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अब सारा कुछ इसमें डाल दिया, तमाम मसाले। अच्छा, इसको अब हमने अच्छे से जो है वो मैरिनेट करना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने जो चिकन को है मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक रात के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने फौरन ही खाना है तो फिर भी एटलीस्ट आपने 2 से 4 घंटे को मिनिमम वेट करना है ताकि जो नमक मिर्च है वो अच्छे से जो है वो लेग पीसेस में ऐड हो जाए। कुकर में इसको स्टीम कर लेंगे क्योंकि ये लेग पीसेस हैं तो ये शायद अंदर से कच्चे रह जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो मैंने आपको कहा था कि मैं देसी टच दूंगी वो ये था कि हम पहले इसको स्टीम कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये स्टीम हो जाएंगे, अब ये कॉर्नफ्लोर और जो अंडे हैं ना ये मैं फ्राई करते वक्त इसका इस्तेमाल करूंगी। ये देखे व्यूअर्स, अब हमने जितना हमारे चिकन पीसेस थे इसको जो है हमने स्टीम कर लिया। स्टीम करने के बाद ये अंडा और जो कॉर्नफ्लोर वाला है वो हमने मिक्सर रेडी कर लिया। अब मैं सारे मिक्सर को इस पर अच्छी तरीके से जो है वो लेप कर दूंगी।
अब ये हमने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो अपना मिक्सर जो है डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो तिल है इसको लेंगे और ऐसे हल्के हाथ के साथ सबके ऊपर दोबारा से जो है वो छिड़क देंगे। ये जो तिलों की क्वांटिटी है वो आप अपने मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखें, ये जो नीचे मिक्सचर बैठ गया था मैंने उसको अच्छी तरीके से लगा लिया और अब हम इसको इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करना है और जो आंच है ना वो बहुत ज्यादा तेज है ना बहुत ज्यादा हल्की है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये पके हुए फूली हमने इसको स्टीम किया हुआ था, हमने जस्ट इसका कलर आना है और क्रंच सा बनेगा तो हम क्या करेंगे इसको निकालते जाएंगे साथ साथ। जिनका कलर आ गया उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर निकालने के बाद आपको डिश आउट करके सर्व करके बताते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने अपना कलमी ढाका फ्राइड चिकन जो है वो डिश आउट कर लिया है। इसको मैंने सिंपल जो मिंट के रायते के साथ इसको सर्व किया। आप साथ केचप या इमली की चटनी वगैरह जो आपको पसंद है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।